उमंग सिंघार की बरसाई गई है और श्रीनिवास बीबी जो कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन पर भी वाटर कैनन बरसाई गई है। और जैसा कि जीतू पटवारी ने कहा था कि बड़े नेता सबसे आगे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो दिख रहा है कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की तो वो खुद सबसे आगे रहे, अगर बात करें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की तो वो खुद रहे। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला देखिए आप, वाटर कैनन के बावजूद भी वो मानने को तैयार नहीं है, लगातार बैरिकेड की तरफ बढ़ रहे हैं और पुलिस है कि जो वाटर कैनन बरसा रही है। वो तस्वीरें देख सकते हैं आप कि किस तरह से यूथ कांग्रेस के, और ये महिला पे वाटर कैनन बरसाई, महिला गिर गई, ये देखिए दो महिला यूथ कांग्रेस की नेता थी, इनको भी चोट आई है, इन पर भी वाटर कैनन बरसाई गई थी। वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस लगातार वाटर कैनन की बारिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो अड़े हुए हैं, लगातार खड़े हुए हैं और बैरिकेड की तरफ बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि जिन पे वाटर कैनन बरसाई जा रही है उनमें जीतू पटवारी हैं जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हैं, और उनमें जो श्रीनिवास बीबी हैं जो कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो लगातार आप देख रहे हैं एनडीटीवी पर लगातार कवरेज जारी है, लगातार आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि एनडीटीवी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, बिना वाटर कैनन के डर के, बिना किसी मार के, बिना किसी डर के हम मौजूद हैं और हम लगातार दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। और इस कवरेज के दौरान हमारा आईडी भीग चुकी है और जीतू पटवारी से बात करने की कोशिश करेंगे हम, यहाँ पर जीतू पटवारी है उससे बात करने की कोशिश करेंगे। जीतू पटवारी चल चुके हैं बैरिकेड पर, देख सकते हैं बैरिकेड पर जीतू पटवारी चल चुके हैं और कोशिश की जा रही है बैरिकेड को फांदने की, और पुलिस उन्हें पकड़ रही है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि बैरिकेड को फांद जाए। तस्वीरें देख सकते हैं आप कि जीतू पटवारी मौजूद है और श्रीनिवास बीवी जो कि व्हाइट कुर्ते पजामे जिन्होंने अपने सर पर रुमाल बांध लिया है वो भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के जो नेता हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं और पुलिस लगातार वाटर कैनन की बरसात कर रही है। हालांकि इसमें पुलिस जवान भी फेंक रहे हैं, वो खुद भी घायल हो रहे हैं, पुलिस वालों को भी चोट लग रही है, लेकिन एक्शन जारी है, पुलिस वाटर कैनन बरसा रही है, कांग्रेस नेता बैरिकेड के ऊपर खड़े हुए हैं, सीना तान के विधानसभा घेराव के लिए निकले हुए हैं, और जो वाटर कैनन बरसाई जा रही है उससे कहीं ना कहीं पुलिस के जवान जो हैं वो भी घायल हो रहे हैं, पुलिस वालों को भी चोटें आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में जीतू पटवारी पर वाटर कैनन की बौछार, जीतू पटवारी को बैरिकेड से नीचे उतारने की कोशिश जारी है, कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जीतू पटवारी को पीछे धकेला जाए, लेकिन जीतू पटवारी है कि मानने को तैयार नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर एक कांग्रेस नेता हैं जो सांकेतिक तौर पर बम बांध कर आए हैं, ये रस्सी ये दिवाली भी चलाने के पटाखे। देखिए हरदा में जो दोषी थे उनके घर पे बुलडोजर अभी तक क्यों नहीं चला है, उस आरोपी के ऊपर पहले भी कार्यवाही हुई थी पर दिखावे की कार्यवाही हुई थी, इनके ऊपर फांसी की कार्यवाही होनी चाहिए। समर्थन मूल्य किसानों को कम मिलेगा, 450 में गैस सिलेंडर कम मिलेगा, लाडली बहना को 3000 रुपए कम मिलेंगे, इन सारे सवालों के साथ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज विधानसभा का घेराव किया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे आरोप हैं जिनको लेकर युवा कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए हैं विधानसभा घेराव करने के लिए, और कांग्रेस नेताओं पर लगातार जो है वाटर कैनन इस्तेमाल की जा रही है, और जीतू पटवारी सबसे आगे मौजूद हैं। जीतू भाई आपने वादा किया था कि सबसे आगे आप लोग रहेंगे, बड़े नेता रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे और 5 साल रहेंगे, जिसमें संघर्ष का मादा है वो कांग्रेस के साथ है, और जिसके अंतर मन में दर्द है, दिल डर है, उसके लिए कांग्रेस में 5 साल तक संघर्ष की बात है। हाँ गिरफ्तारी देंगे। हाँ गिरफ्तार करेंगे तो हम गिरफ्तारी देंगे। हाँ लाठीचार्ज हो रहे, ये अन्याय और अत्याचार से हम डरने वाले नहीं है,
लड़ने वाले हैं, हर हालत में लड़ेंगे, हर हालत में लड़ेंगे। अगला स्टैंड क्या रहेगा आपका? लगातार ये जुए सट्टे की सरकार नहीं चलने देंगे, इनको शर्म नहीं आई, ये जुए की सरकार, इन्होंने ऑनलाइन गेमिंग को लीगलाइज किया, ये गलत बात है। हाँ तो ये लगातार अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा है। ये जुए सट्टे की सरकार का विरोध हर जगह किया जाएगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये जीतू पटवारी थे जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनका कहना है कि जुए और सट्टे की सरकार नहीं चलने देंगे। युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, ये आरोप लगाया है जीतू पटवारी ने। और उन्होंने कहा था कि जो बड़े नेता हैं वो बैरिकेडिंग में सबसे आगे रहेंगे, वाटर कैनन में पुलिस की लाठियां खाएंगे। तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी ने वो कर दिखाया है। जीतू पटवारी सबसे आगे थे और आपने तस्वीरों में देखा किस तरह से एक प्रदेश अध्यक्ष ने वाटर कैनन खाई। पुलिस ने जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और कांग्रेस के बड़े नेताओं पर जमकर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। और जीतू पटवारी अब बैरिकेड से उतर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी तो वो गिरफ्तारी भी देंगे। तो आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें और बिल्कुल देखिए आप एक ये एक अपनी बात रखना भी इस देश में गुनाह है। शांतिपूर्वक हम अपनी बात रखने जा रहे हैं विधानसभा में, पर पुलिस बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर रही है हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। क्या ये हमारे देश का संविधान है? संविधान को यहाँ पे कुचला जा रहा है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जीतू पटवारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और कोशिश की जा रही है, बल्कि हिरासत में ले लिया, उनको धक्का के कोशिश की जा रही है कार्यक्रम स्थल से दूर करने की। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है NDTV पर कि किस तरह से जीतू पटवारी को जो पुलिस है वो बैरिकेडिंग से दूर कर रही है कि वो डरने वाले नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने NDTV से बात करते हुए कहा कि वो जुए और सट्टे की सरकार नहीं चलने देंगे। युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, युवाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, इस भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। युवाओं से वादा किया था कि उनको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन नौकरियां नहीं दी गई। तो आप देख सकते हैं एक बार और कि जो पुलिस है उसने जीतू पटवारी को एक कार्यक्रम से पूरा हटाने की कोशिश कर दी है और जीतू पटवारी को जाना है। और कांग्रेस जो कार्यकर्ता है वो लगातार जो है जीतू पटवारी के साथ में है। और दूसरी तरफ बैरिकेड के पास भी जो कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं वो लगातार बैरिकेड के पास हैं, बैरिकेड नहीं छोड़ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक महिला भी है हमारे साथ, उनको भी वाटर कैनन से लगी। क्या हुआ आपको? आज हम सभी लोग जो देश में स्थिति है बेरोजगारी, उसकी मांग को रोजगार की मांग लेकर आए थे, तो यहाँ पर हम अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से रखना चाह रहे थे कि मध्य प्रदेश और देश के युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। आज हमारा पढ़ा लिखा युवा दर दर भटक रहा है, लेकिन यहाँ पे पुलिस बल का प्रयोग करके हम पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, हम महिलाओं पे वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है, पूरी तरह से हम लोग खून से धो चुके। लेकिन ये सरकार जो बैरी गूंगी है, इसको आप गिर भी गई थी। हाँ, इसमें यही कहना चाहूंगी कि हम रोजगार की मांग करने, क्या संविधान में हमको अधिकार नहीं है कि हम पूछ सके? जिस मोदी सरकार ने हमको वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ देंगे, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई कि हमारे युवाओं को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही, युवा दर दर भटक रहा। आज हम आने वाले समय में यही कहेंगे कि ये निकम्मी सरकार को हम बदलना चाहेंगे। और जो देखिए श्रीनिवास बीबी हमारे साथ है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। श्रीनिवास जी, क्या हुआ है, क्या लग रहा है? देखिए किस तरीके से पूरा सरकार, जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करने का काम करता है। तो पहला ऐसा स्टेट है लीगलाइज करके जुआ खेलने के लिए सबको अलो किया है, यह सरकार को शर्म आना चाहिए। 2 लाख नौकरी देने का बात किया था, सरकार आके कितने दिन हुआ है? मोहन यादव एक रिमोट कंट्रोल है, दिल्ली से यह सरकार चल रही है। इसलिए युवा कांग्रेस विधानसभा घेराव करने के लिए, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक राष्ट्रीय जो है वाटर कैनन बरसाए गए। देखिए यही तो है, ये डरपोक लोग है, जब जब इन लोग ने सरकार डरती है पुलिस को आगे करने का काम करती है। ये ना युवा के साथ बैठ के बात करने को तैयार है, ना कुछ नहीं है। वहाँ किसान का हालत देश में क्या किया अब सब देख रहे। यहाँ मध्य प्रदेश का युवा के साथ जो इन लोग ने ऑनलाइन जुआ खेलने को बोल रहे हैं, जब तक वापस नहीं लेगा तब तक लड़ने का। बहुत कार्यकर्ता को इन लोग ने जो किस लेवल पे इन लोग ने जो कान पानी से इन लोगों का कान आग किस तरीके से इंजोर हो गया, ये सरकार को
सारे बदला लेने का काम करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ये थे श्रीनिवास बीवी जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई है, उनके चोट लगी है और इसका बदला जो है लिया जाएगा। तो कुल मिला के आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं, ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं और पुलिस बैंड को बुला लिया गया है। अब जो है पुलिस बैंड में बरकान लेके जाएगा। राजू मेरे कैमरा मैन से कहना चाहूंगा कि दिखाए कि देखिए किस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़ दिए हैं और जो गाड़ी भी आकर खड़ी हो गई है यहाँ पर अब गिरफ्तारियां की जाएंगी। कांग्रेस नेताओं को बस में बिठाकर यहाँ से ले जाया जाएगा, संभवतः जो है इन्हें सेंट्रल जेल लेकर जाया जाए या फिर कोई आईएसआई जेल जो बनाई गई हो उसको लेकर जाए। तो ये गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी है, पहली गिरफ्तारी उस शख्स की हुई है जो हाथ में कांग्रेस का झंडा लिया हुआ है। ये देखिए कोशिश की जा रही है गिरफ्तारी की और देख सकते मेरे साथ किस प्रकार कोशिश की जा रही है। हाथ में युवा कांग्रेस का झंडा लिया हुआ युवक का पहली गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार गिरफ्तारियों का दौर अब शुरू हो चुका है। मैं अपने कैमरा साथी राजू बादम से कहूंगा कि वो दिखाएं कुछ और दिखाएं तस्वीरें जिसे आप देख सकते हैं कि और ये पुलिस का आंसू गैस का गोला फेंका है। ये देखिए पुलिस आंसू गैस का गोला फेंक दिया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं खदेड़ने के लिए और देखिए जलन शुरू हो चुकी है, सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है लेकिन एनडीटीवी लगातार डटी हुई है अपने दर्शकों को दिखाने के लिए कि किस तरह से जो कांग्रेस है यूथ कांग्रेस है उसके नेता कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, विधानसभा घेराव की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग करके सभी को रोक दिया और अब गिरफ्तारियों का दौर शुरू है, गिरफ्तारियां हो रही हैं कांग्रेस नेताओं की। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के नेता हैं उनको बस में बिठाकर ले जाया जा रहा है और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनको अब पुलिस जो है बस में बिठाने की कोशिश कर रही है। अब से थोड़ी देर पहले श्रीनिवास बीवी ने प्रदर्शन के दौरान हमसे बात करते हुए कहा था कि सरकार युवाओं को छल रही है, सरकार युवाओं के साथ भेदभाव कर रही है, ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देकर उनके भविष्य को चौपट करने की कोशिश की जा रही है। श्रीनाथ बीवी ने कहा कि हम ऐसा नहीं चलने देंगे, हमारे कार्यकर्ताओं पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन किया गया है, उनको घायल किया गया है, चोटें आई हैं, महिलाएं भी घायल हुई हैं, लगातार प्रदर्शन जारी है। कांग्रेसी जो नेता हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस उनको बस में बिठाकर जेल ले जाने की तैयारी कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको बिठाकर ले जाने की काम जारी है। इस हालांकि इस जो वाटर कैनन हुई इसमें पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। देखिए यहाँ पर एक पक्ष ये भी दिखाना चाहता हूँ कि जो पुलिस के अधिकारी हैं थाना प्रभारी हैं आरक्षक हैं ये लोग भी घायल हुए कहीं ना कहीं, लेकिन ड्यूटी है उनकी ड्यूटी थी कि कांग्रेस को रोके, विधानसभा सेशन चल रहा है तो कांग्रेस ने ऐलान किया था कि विधानसभा का घेराव करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका जिम्मेदारी थी जिसको उन्होंने निभाया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नेताओं को रोका। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो श्रीनिवास बीवी हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को हिरासत में ले लिया है और दोनों ही नेताओं को बस में बिठाकर जो है जेल ले जाने की तैयारी की जा रही है और साथ ही जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को भी शायद हिरासत में ले लिया है क्योंकि अभी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले वो यहीं पर मौजूद थे और जो है गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसको लेके बड़ी लेवल पे लड़ाई हम लड़ने का काम करेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो श्रीनिवास बीवी हैं उनका कहना है कि मध्यप्रदेश सरकार ने जो जुआ था उसको लीगलाइज कर दिया ऑनलाइन करके, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो
तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस का प्रदर्शन था अब वो खत्म हो चुका है। पुलिस ने जो प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेता थे उनको बैरिकेड के पार नहीं जाने दिया और इसके लिए उसे पुलिस को काफ़ी मशक्कत करना पड़ी। जमकर वाटर कैनन चलाई गई जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी उनको चोट लगी, उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष उनको चोट लगी और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को भी चोट लगी। हालांकि कवरेज के दौरान हमारे कैमरा सहयोगी राजू बाथम और हम भी जमकर भीगे और हमने भी वाटर कैनन खाई है, लेकिन हाँ जो हमारी जिम्मेदारी है हमने उसको पूरी तरह से निभाया। और हम और एक और बड़ी खबर ये देखिए, जब श्रीनिवास बीवी को ले आने लगी पुलिस तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बस के आगे बैठ गए। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के बस के आगे लेट गए हैं बस के आगे लेटे हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस उठाने की कोशिश कर रही है। देखिए देख सकते हैं आप, बिल्कुल देखिए ये उठाकर ले आ रही है पुलिस, एक कार्यकर्ता को पुलिस उठाकर ले गई। ये देखिए जब पुलिस की बस के सामने बैठे और लेटे तो पुलिस उनको उठाकर ले गई है और विधानसभा का घेराव करने निकले थे कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता और इसको पुलिस ने नाकाम कर दिया है। देख सकते हैं आप तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें में देख सकते हैं आप किस तरह से जो है उठाकर खदेड़ कर खींच कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ले जा रहा है और यहाँ पर जो है पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। देखिए एक तरफ जो है बस में भरकर ले जाया जा रहा है यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को, दूसरी तरफ जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको घसीट कर ले जाया जा रहा है। तो इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं को कहीं ना कहीं जो पुलिस है उसने नाकाम कर दिया है और इस हमारे साथ में तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी उन दोनों को पुलिस बस में बिठाकर ले गई है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और भी नेताओं की गिरफ्तारी जारी है। कुछ नेताओं ने बस के सामने लेटने की कोशिश की, बैठने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस ने बलपूर्वक हटा दिया, उठाकर ले आना पड़ा, घसीट कर ले आना पड़ा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में यहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो कार्रवाई है इसको लेकर वाटर कैनन की आवश्यकता क्यों थी और ऐसा क्यों किया गया। रामजी श्रीवास्तव हैं जो SP हेडक्वार्टर हैं, हम उनसे बात करेंगे। SP सर फ्यू वर्ड्स सर, ये जो कार्रवाई हुई है आज यूथ कांग्रेस का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के तहत यहाँ पर उनको रोका गया प्रतिबंधित क्षेत्र होने के कारण, उनके द्वारा नहीं मानने पर वाटर कैनन और अश्रु गैस का प्रयोग कर गिरफ्तारी की गई है। सर प्रदेश अध्यक्ष और CLP और एक यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी वाटर कैनन लगी है, दो बहुत सारे लोग थे यहाँ पर, आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है, थोड़ी देर बाद उसके बाद गिरफ्तार करके कहाँ ले आ रहे हैं, उनको जेल पर ले जाए। ठीक है, तो ये रामजी श्रीवास्तव जी थे जो SP हैं, उन्होंने बताया कि कई सारे लोग थे जो विधानसभा का घेराव कर रहे थे उनको रोका गया और उनमें से जो कई लोग हैं उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। तो तस्वीरें में एक बार और आप देख सकते हैं, तो देखिए टीयर गैस को बुलाया जा रहा है, एक बार और देखिए टीयर गैस को बुलाया जा रहा है क्योंकि जो बस है उस बस को ले जाने में जो है बिल्कुल देखिए ये टीयर गैस का लाइव हम आपको दिखाते हैं, एक्सक्लूसिव देखिए आप किस तरह से पुलिस जवान ने टीयर गैस को लोड किया है गन को और अब टीयर गैस को जो है फायर किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में क्योंकि जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जब गिरफ्तार करके ले जा रही है यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को, तो ये लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, कहीं बस के आगे लेट रहे हैं, कहीं बस के सामने बैठ रहे हैं, जिससे पुलिस को परेशानी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो अब पुलिस जो है टीयर गैस का इस्तेमाल करने वाली है और टीयर गैस के जो है बम जो है वो मंगाए गए हैं और आप
देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं टीयर गैस छोड़ी जाएगी और जो कांग्रेस के नेता हैं उनको गिरफ्तार करके ले जाने का सिलसिला जारी है। तो बिल्कुल देखिए आप टीयर गैस एक बार फिर टीयर गैस छोड़ दी गई है और देखिए टीयर गैस छोड़ दी गई है कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के नेताओं को खदेड़ने के लिए। और इस बार जो है ज़्यादा बड़ी मात्रा में टीयर गैस छोड़ी गई है। और ये देखिए और जो श्रीनिवास बीबी हैं जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और विक्रांत भूरिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और एनडीटीवी से बात करते हुए जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी, तीनों नेताओं ने कार्यक्रम से पहले भी एनडीटीवी से बात की, कार्यक्रम के दौरान भी बात की और जब वाटर कैनन चल रही थी उस समय भी एनडीटीवी से बात की और उन्होंने सरकार पर युवाओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया।